संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम में सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधु, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वात सूत ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। सात तत्वों और रत्नत्रय से गूथे इन अनुपम सूत्रों में अब हम आ गए हैं जीव तत्व के लिए सम्यक चरित्र रूप अपनाने योग्य संवर और निजरा तत्व में। नौ तत्वों को ही आचार्य ने उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य बताया है और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से इस उपादे विज्ञान अध्याय 9 के स्वाध्याय में जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए वास्तविक मोक्ष मार्ग अर्थात दिगंबर साधु की चर्या को जानेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं वे पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प ना करें, निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें मुनिश्री की सरस सरल वाणी में। उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 9 का सूत्र पाठ कर लेते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सके। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। आश्रम निरोधः संवरः स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजः चारित्रहि तपसा निर्जरा च सम्यग् योग निग्रहो गुप्तिः ईर्याभाषैषडादान् निक्षेपो सर्गा समितयः उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्याशरण संसारैकत्वा नित्वा शुच्याश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्त्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः मार्गाच्यवन निर्जरार्थं परिशोडव्याः परीशः छुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्यारति स्त्रीचर्या निषद्या शय्याक्रोश वध याचना लाभ रोग तृढ़ स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांपराय छदमस्त वीतरागयोश चतुर्दश एकादश जिने बादर सांपराये सर्वे ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतरायो रदर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेतनीये शेषाः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नै कौन विंशतेः सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथा ख्यात मिति चारित्रम् अनशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन कायक क्लेशा वायम तपः प्रायश्चित विनय वैयावृत्त स्वाध्याय विसर्ग ध्यानान्युत्तरम् नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमं प्राक ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक विसर्ग तपश्चेद परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष ग्लान गढ़ कुल संग साधु मनोज्ञानाम् वाचना प्रिच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः बायाभ्यंतरोपद्यो उत्तम सहननस्यै काग्रचिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तदविरत देश विरत प्रमत्त संयतानां हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम्
शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरत क्रिया निवर्तीनि त्रिएक योग काय योगा योगानाम एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम् वितर्कः श्रुतम् विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांतिः सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शनमो छपकोप समकोप शांतमो छपक क्षीण मोहजिना क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातकाः निर्ग्रंथाः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्योपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः इति तत्वार सूत्रे नवमोध्याय। पूज्य मुनि श्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। संवर और निजरा के प्रकरण में आज हमने जाना कि प्रमाद रहित होकर यत्नाचार पूर्वक भोजन करना ऐषणा समिति होती है। इसकी पहली वृत्ति गोचरी वृत्ति है। जैसे गाय चलते हुए जंगल की शोभा नहीं देखती, बस जो लेना है वह देखती है और पेट भरकर चली जाती है। ऐसे ही बस भोजन को देखते हुए, शोधन करते हुए, घर आदि की साज सज्जा नहीं देखते हुए भोजन करना गोचरी वृत्ति होती है। दूसरी वृत्ति उदर राग्नि प्रशम वृत्ति है, यानी बस उदर की अग्नि शांत करने के लिए भोजन करना। जैसे हम रोग को दूर करने के लिए औषधि लेते हैं, वैसे ही साधु धर्म ध्यान में बाधा डालने वाली उदर राग्नि या शुदा रोग रूपी अग्नि की वेदना दूर करने के लिए औषधि स्वरूप लिमिटेड आहार करते हैं। तीसरी वृत्ति गर्त पूरण वृत्ति है, यानी साधु बस उदर रूपी गड्ढा भरने के लिए आहार लेते हैं, जिससे दिन भर निराकुलता बनी रहे। वे फूड का टेस्ट नहीं करते, बस उदर अग्नि शांत करने और गर्त पूरण के लिए आहार लेते हैं। चौथी वृत्ति अक्ष मृक्षण वृत्ति है। जैसे गाड़ी की मोबिलिटी बनाए रखने के लिए बीच बीच में पहिए को औंगन दिया जाता है, ऐसे ही साधु रत्नत्र रूपी आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए शरीर में औंगन स्वरूप भोजन रूपी ऑयल को डालते हैं। साधु छह कारणों से भोजन लेते हैं, अकारण नहीं लेते। ये उद्देश्य है रत्नत्र की आराधना, शत आवश्यक पालन, ध्यान, स्वहित परहित वैयावृत्ति। अन्य उद्देश्य से भोजन करना समिति में नहीं आता। साधु के भोजन में भी बहुत कंडीशंस रहती हैं। वे दिन में एक बार खड़े होकर 46 दोषों से रहित भोजन लेते हैं, जैसे प्रमाण दोष से रहित यानी लिमिटेड भोजन करना, क्योंकि प्रमाण से अधिक होने पर स्वाध्याय ध्यान आदि क्रियाओं में आलस्य आएगा। इसी तरह उद्गम उत्पादन ऐषणा संयोजना अंगार धूम आदि दोषों से रहित होकर ऐषणा समिति का पालन किया जाता है। इससे पाप का संवर और निजरा होती है। इन वृत्तियों के संकल्प के कारण छठवें सातवें गुणस्थान वर्ती साधु भोजन करते हुए भी इतनी निजरा कर लेते हैं जितना पंचम गुणस्थान वर्ती देश व्रती श्रावक सामायिक के समय पर या रात भर तपस्या करते हुए भी नहीं कर सकता। भोजन जैसे प्रमाद की क्रिया में भी साधु अप्रमत ही रहते हैं, क्योंकि समिति का मतलब ही अप्रमत होना होता है। प्रमत्त गुण स्थान कब हो जाएगा यह तो नहीं पता, लेकिन वह हमेशा सावधान रहते हैं। साधु का नियम पूर्वक वृत्ति से भोजन करना अलौकिक क्रिया है। केवल दिगंबर साधु को ही खड़े होकर के और पानी पात्र में भोजन करने का नियम है। ये विशेष नियम दिगंबरत्व की अलौकिकता बताता है। इनका विस्तार से वर्णन हम मूलाचार आदि ग्रंथों से पढ़ सकते हैं। चौथी आदान निक्षेपण समिति में जीव रक्षा और प्राणी संयम के भाव से पिछिका मंडलू शास्त्र आदि उपकरणों को उठाते रखते हुए देखभाल पूर्वक प्रवृत्ति करते हैं। पांचवी उत्सर्ग समिति में साधु अपने शरीर के मल मूत्र नख केश आदि का त्याग जीव जंतु से रहित स्थान पर करते हैं। इस तरह समितियां साधु को निरंतर पाप रहित रखती हैं। समितियों के बाद हमने 10 धर्मों को जाना।
ये सभी प्राणियों के कल्याण के लिए हैं। ये साधु के आभूषण हैं, जिन्हें वे हमेशा धारण रखते हैं और इनसे विशेष रूप से संवर करते हैं। सबसे पहले उत्तम क्षमा आता है। क्रोध की उत्पत्ति नहीं होना क्षमा कहलाता है। संस्कृत में कश योगे क्ष, सूत्र के अनुसार क्ष से पहले क का उच्चारण होता है, यानी छतरी वाला छ क्षमा नहीं, क्षत्रिय वाला क्ष क्षमा होता है। तो आइए अब हम चलते हैं उपादेय विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। फिर होती है आदान निक्षेपण समिति। कोई भी चीज को रखना उठाना अपने पिच्छी कमंडलू इत्यादि के लिए भी उसे जो है देखभाल पूर्वक इन प्रवृत्तियों को करना, और अपने उपकरण जो शास्त्र आदि हैं उनको भी उठाते रखते हुए जीव रक्षा के ध्यान से प्राणी संयम के भाव से उसकी प्रवृत्ति होना, ये आदान निक्षेपण समिति कहलाती है। इसके अतिरिक्त पांचवी जो समिति है उत्सर्ग समिति है, जिसमें वह अपने शरीर के किसी भी प्रकार के मल मूत्र नख केश आदि का भी जो त्याग करता है उसको भी जीव जंतु से रहित स्थान पर उनका विसर्जन करता है। इस तरह की ये समितियां, ये पांच प्रकार की समितियां कही गई, जिससे साधु का जीवन पाप रहित होकर के निरंतर चला करता है। अब इन समितियों के आगे फिर वर्णन आता है धर्म का वर्णन, जो 10 धर्म सभी लोग जानते हैं। उन 10 धर्मों के नाम यहां आचार्य क्रम क्रम से एक सूत्र में दे रहे हैं। उत्तम क्षमा, कैसे पढ़ना, कई लोग उत्तम क्षमा ऐसे पढ़ते हैं, एक ध्यान रखें, जब भी संस्कृत में क्ष पढ़ा जाता है तो कस योगे क्ष एक सूत्र आता है, तो उसमें क्ष से पहले आपको थोड़ा क का उच्चारण करना, उत्तम क्षमा, नहीं तो उत्तम क्षमा ऐसा हो जाएगा, है ना, वो क्षमा में फिर आपको ये समझ नहीं आएगा क्ष छत्री वाला है कि क्ष छत्री वाला है, ऐसा उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणी धर्मः। ये 10 धर्म हैं। किसके लिए हैं? साधु के लिए हैं, संसार के सभी प्राणियों के लिए हैं। इन 10 धर्मों से उद्धार संसार के सभी प्राणियों का होना है ना। ये 10 धर्म व्यापक हैं, सबके लिए हैं। ये बात अलग है कि साधु इन 10 धर्मों के माध्यम से विशेष रूप से संवर कर लेता है। साधु के लिए ये धर्म हमेशा धारण करना संभव होता है, साधु के लिए धर्म आभूषण है, लेकिन बाकी सभी के कल्याण के लिए 10 धर्म है। तो उत्तम क्षमा धर्म, सबसे पहला धर्म क्या है? क्षमा धर्म। क्षमा का मतलब क्रोध की उत्पत्ति नहीं होने का नाम ही क्षमा है। क्या है? क्रोध की उत्पत्ति नहीं होना। कब नहीं होना? किसी कारण, किसी समय विशेष पर, या कभी नहीं होना? है कभी नहीं होना, है ना। अनुकूलता में तो नहीं होती, लेकिन प्रतिकूलता में भी नहीं होना, तो वह क्षमा भाव कहलाता है। उस क्षमा भाव में किसी भी तरह का कोई भी उपसर्ग भी करता है, उपद्रव भी करता है, कुछ बुरा भला भी कहता है, तो भी वह उसके प्रति मन से किंचित भी बुरा विचार नहीं लाता, इसलिए उसके अंदर वह क्रोध की वृत्ति का अभाव होने से वह वृत्ति उसकी क्षमा की वृत्ति बन जाती है। तो ये क्षमा साधु के लिए हमेशा का एक आभूषण है। वह उस क्षमा के माध्यम से अपनी उस क्रोध कषाय को जीतते हुए ही धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ता है, क्योंकि सबसे पहला अगर कोई भी विकार उत्पन्न होता है तो उसका नाम है क्रोध, है ना, और वह क्रोध जो दूसरे के लिए द्वेष पैदा करने रूप हो,
वह क्रोध नहीं होना चाहिए जो दूसरे के लिए किस रूप में आ रहा हो, जिससे कि किसी भी तरह के सामने वाले व्यक्ति के लिए कोई भी अनिष्ट विचार आए या उससे कोई द्वेष पूर्वक विचार आए। इस तरह का क्रोध नहीं करने का नाम ही क्षमा कहलाता है। तो यह जो क्षमा भाव है, यह सबसे पहला धर्म है। इसके बिना साधु समितियों में प्रवृत्ति कर नहीं सकता, क्योंकि समितियों में प्रवृत्ति करेगा, कभी भी कोई भी समिति में प्रवृत्ति करते हुए कोई भी व्यक्ति उसके लिए कुछ भी उपद्रव कर सकता है, उसके ऊपर उपसर्ग कर सकता है, लेकिन वह इन प्रवृत्तियों में भी अपने अंदर अपने विचारों में मलिनता न लाए, उसलिए उसे सबसे पहले इन 10 धर्मों का भी ध्यान रखना है। तो पहला धर्म क्या है? क्षमा। क्षमा धर्म है किसका? बड़ों का, है ना। क्षमा किसके लिए होती है? बड़ों के लिए होती है, छोटों को तो उत्पात करना ही होता है, है? लेकिन जो साधु होगा उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता, है ना। साधु माने साधु, सबके लिए ये क्षमा भाव धारण करना, ये पहला जब धर्म हो जाता है तो अपने आप जो भी उसके संपर्क में आता है उसे भी ये समझ में आने लग जाता है कि इस क्षमा के माध्यम से ही आगे के धर्म संभव हैं, अन्यथा क्रोध के माध्यम से व्यक्ति के अंदर जब विकार उत्पन्न होता है तो वह न केवल अपने लिए नुकसान पहुंचाता है, वह दूसरों को भी नुकसान पहुंचा देता है। तो जब क्षमा होगी तभी आपके अंदर एक मृदुता का भाव धीरे धीरे आएगा। ये 10 धर्म आपस में कनेक्टेड हैं। शुरुआत करोगे तो आगे आगे के रिजल्ट मिलते चले जाएंगे। क्षमा भाव आने लगेगा तो मृदुता भी आने लगेगी। मृदुता का मतलब ही होता है कि भाई किसी के प्रति अगर कठोर व्यवहार करना पड़ेगा तो क्यों करना पड़ेगा, जब उसके अंदर कोई द्वेष होगा, और द्वेष नहीं होगा तो उसके अंदर क्षमा भाव के साथ में मृदुता का भाव आने लग जाएगा। मृदुता का विपरीत क्या हुआ? कठोरता का भाव, जिसे आप क्या बोलते हो, मान का भाव, अहम का भाव। ये सब क्या है? मान में अहम में व्यक्ति कठोर हो जाता है थोड़ा सा, मान में व्यक्ति के अंदर दूसरे के प्रति इतना द्वेष आ जाता है कि वह अपनी कठोरता के कारण से स्वयं नहीं झुकता, दूसरे को झुकाता है। ये क्या कहलाता है? ये मान कहलाता है। तो इस मान का अभाव तभी होगा जब उसमें क्षमा का भाव होगा, समझ रहे हैं? तो जब आप ये महसूस करेंगे कि हमारे अंदर दूसरे के प्रति क्षमा भाव है, तो आपको ये भी महसूस करने में आएगा कि हमारा उसके प्रति कोई भी द्वेष का भाव नहीं, कठोरता का भाव नहीं, उसका सबके प्रति मृदुता का ही भाव रहता है। कभी महसूस होता है कि नहीं होता है? आप ये सोच रहे होंगे कि महाराज कभी कभी तो आपको भी कठोर बन जाना पड़ता है, आप भी कठोर हो जाते हो, समझ आ रहा है? वो कठोरता कैसे हो जाती है? वो कठोरता साधु के अंदर जो आती है वो अपनी वृत्तियों को संकुचित करने के कारण से आती है। साधु अगर कभी कठोर होता है तो वह अपने नियम का पालन करने के लिए कठोर होता है। साधु कभी कठोर होता है तो वह अपनी किसी भी प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं, समितियां हैं या व्रत हैं, उनमें किसी भी तरह से उसके लिए दोष ना लगे, इसलिए कठोर हो जाता है। और वो चीज आपको पता नहीं होती, तो आपको क्या लगता है कभी कभी, साधु बड़े कठोर होते हैं, बड़े निर्दयी होते हैं, ऐसे ही बोल जाते हैं लोग, समझ आ रहा है? तो ये जो आपके मन में भाव आता है, ये भाव कहीं ना कहीं तब आता है जब आपको साधु की वृत्तियों का कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, है ना। आप कोई भी तरीके की प्रवृत्ति कर रहे हैं साधु के साथ में, तो साधु को तो पता है कि मुझे क्या करना है, और आप उसके साथ में जो प्रवृत्ति कर रहे हैं वो आपको पता नहीं है। तो आपकी वह सरलता या आपका वह भाव ऐसा ना हो जाए कि वो ऐसा समझ में आने लग जाए कि साधु के लिए कि यह साधु वह जो दूसरा भाव कर रहा है उसके कारण से उस साधु की प्रवृत्तियां गलत होने लगी, समझ आ रहा है? तो वह प्रवृत्तियां गलत न हो इसलिए साधु को भीतर से कठोर किसके प्रति होना होता है? अपने आचरण के प्रति। आपके प्रति नहीं होता, लेकिन आपको ऐसा लग जाता है कि यह हमारे प्रति कठोर हो रहा है,
सुन रहे हैं? तो ध्यान में रखना, साधु के लिए भीतर से क्या भाव है? मृदुता का भाव है, मार्दव का भाव है। दूसरों के लिए तो मार्दव का भाव है, लेकिन अपने प्रति कठोरता का भाव अपने आचरण के प्रति होता है ना? तो इसलिए वह आचरण जो उसके लिए अपना स्वयं का आचरण है, वो किसी दूसरे को कठोर लग सकता है, साधु को उसकी चिंता नहीं होती, क्योंकि उसके लिए सबसे पहली चीज ध्यान देने योग्य स्वयं का आचरण है। आप क्या समझ रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, ये सेकेंडरी मैटर है, ये दूसरी बात है, उससे उसको कोई प्रयोजन नहीं है। आपकी समझ तो कभी बदल भी जाएगी, समझ आ रहा है? लेकिन जो साधु अपना काम कर रहा है, उस साधु के बारे में आप हमेशा सही एटीट्यूड बना करके रखें, तो आप साधु को सही ढंग से समझ पाएंगे। क्रोध नहीं होना, मृदुता होना, और जब मृदुता होगी तो रिजुता भी आ जाएगी। कनेक्टेड है कि नहीं? मृदुता का मतलब जब मन में कोमलता है, कठोरता नहीं है, तो किसी भी तरीके का फ्रॉड होना संभव ही नहीं है। फिर वो मन वचन काय से सरल प्रवृत्ति करेगा, तो उस समय पर उसके लिए अपने आप रिजुता का धर्म आ जाएगा। मायाचारी कौन करेगा? जिसमें कुछ मान कसाई होगी, अहम भाव में होगा, कुछ कठोरता का वातावरण अपने अंदर रखेगा, दूसरे से द्वेष करके किसी से कुछ और आगे बढ़ने की या किसी से कुछ और अच्छा दिखाने की चेष्टा में कुछ छल कपट करेगा, तो ऐसी कपटता तभी आएगी जब उसमें मृदुता का अभाव होगा। तो जहां मृदुता है वहां रिजुता अपने आप आ ही जाती है। इसलिए मृदुता होने पर आर्जव धर्म बन जाता है, और जहां रिजुता आ गई वहां पर संतुष्टि आ जाती है। शौच का मतलब क्या है? शुचिता, पवित्रता, संतोष भाव। पवित्रता में उसका मन अपने आप, जब जिसके अंदर क्रोध नहीं, कपट नहीं, मद नहीं, तो उसका मन अपने आप में पवित्र हो ही जाता है। पवित्रता के लिए मन में इन्हीं तीन विकारों का अभाव होना जरूरी है, इसलिए शौच धर्म को आर्जव के बाद में रखा गया है। और जब मन में पवित्रता आ गई तो फिर उसके जो वचन होंगे वो कैसे होंगे? सत्य वचन होंगे। कितने अच्छे तरीके से धर्म का प्रवेश होता चला जाता है। शौच धर्म होने के बाद में जो उसके शुचिता का मन है, उसी के कारण से उसके हृदय से जो सत्य वचन निकलेंगे, वो सत्य वचन लोगों के लिए प्रिय भी लगेंगे, लोगों के लिए समझ में आएंगे, हितकारी होंगे, और उसी के कारण से उन सत्य वचनों का प्रभाव दूसरे के ऊपर भी पड़ता है। तो ये मन की पवित्रता से सत्य वचन का प्रभाव दूसरे के ऊपर पड़ता है। जब सत्य होगा तभी संयम का भाव आएगा। झूठ के साथ संयम कैसे रहेगा? तो संयम का संबंध किससे है? सत्यता से है। सत्यता वचनों में भी होती है और सत्यता विचारों में भी होती है। जब जीवन की सत्यता, संसार की सत्यता सब उसके दिमाग में होगी, तभी उसके लिए संयम रखना संभव होगा। जिसे संसार शरीर भोगों की सत्यता होगी, वही संयम को समझ पाएगा। तो जब संयम होगा तो वही संयम का भाव जिसके अंदर धीरे धीरे बढ़ेगा, तो वो तप करता हुआ चला जाएगा। संयम के साथ में तप होना चाहिए। अलग से केवल तप करने जो बैठ जाते हैं उनके लिए भी मना किया गया है। जिनका तप संयम के साथ नहीं है, उनका तप कोई बहुत ज्यादा लाभकारी नहीं होता है। तो तप के साथ क्या होना चाहिए? संयम। संयम मतलब दया, प्राणी संयम, इंद्रिय संयम। तो पहले ये प्राणी संयम, इंद्रिय संयम में जो निष्णात हो जाता है, वही जो है धीरे धीरे अपनी सब प्रकार की इच्छा वृत्तियों को रोकने में समर्थ होता है, तो वह तप करता है। और तप करने पर जो उसके भीतर अंतरंग से जो दोषों का निष्कासन होता है, उसको बोलते हैं त्याग। तप के बाद में त्याग। तप करने पर जिसने अपनी इच्छाओं को रोक करके अंतरंग में अपने दोषों का निष्कासन कर लिया, परिहार कर लिया, उनसे बच गया, वो उसका त्याग भाव कहलाया। ये भीतरी त्याग है। सुन रहे हैं? जो बाहरी होता है वो अलग है, लेकिन जो ये धर्म है वो भीतरी है, आत्मा का धर्म है। तो आत्मा में त्याग धर्म कैसे आएगा? कल भी किसी ने एक प्रश्न किया था ना, कल भी अच्छा उत्तर मिला था, आज भी सुने। भीतर से त्याग धर्म का मतलब है अंतरंग में अपने तप के माध्यम से अपने दोषों पर विजय प्राप्त कर लेना। तो जो दोष निकल गए उसका नाम है त्याग। ये भीतरी त्याग है। इस त्याग होने पर
जब वो व्यक्ति जब अपनी इच्छाओं से सब कुछ बाहरी चीजों का त्याग, दोषों का त्याग, विकृत मानसिकताओं का त्याग, ये सब करने में समर्थ हो गया, तो वह फिर अकिंचन रह जाता है। अकिंचन का मतलब उसके लिए दुनिया में कुछ भी मेरेपन के साथ में नहीं होता, ना कुछ मेरा ना कोई मेरा, क्या होता है, इसी भाव का नाम है अकिंचन भाव। जब वह इस अकिंचन भाव में, अनुभूति में, अपने आप में निश्चिंतता के साथ में बिल्कुल संतुष्ट होता है, तो यही अकिंचन भाव उसको किसके साथ जोड़ेगा? अब उसे दूसरे से तो जुड़ना नहीं, दूसरा कोई मेरा है नहीं, तो फिर मेरा क्या बचा? तो अप्पा शरणम गच्छामि, किसकी शरण में जाएगा वो? बस उस आत्मा की, शुद्ध आत्मा की, ब्रह्म की शरण में जाएगा, उसी को ब्रह्म कहते हैं, और उसी ब्रह्म में रहना, उसी ज्ञान भाव में रहना, उसी का नाम है ब्रह्मचर्य। ये मुख्य ब्रह्मचर्य किसका नाम है? आत्मा के शुद्ध भाव में, शुद्ध ज्ञान में, शुद्ध स्वरूप में रहमण करने का नाम ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्मचर्य धर्म उसके अंदर अकिंचन भाव से ही आएगा। जब तक कुछ भी मेरा है, चाहे वो चेतन हो चाहे अचेतन हो, इस तरीके का भाव रहेगा तो उसके उस भीतरी ब्रह्म में रमण करने में वो भाव बाधा डालेगा। तो जब अकिंचन भाव में निष्णात हो गया तो उसके पास में बस एक ब्रह्म में चर्या करने को बचा, जो अंतिम धर्म है, और यहीं पर उसके धर्म की पूर्णता हो जाती है। जो अपने में लीन होने लगा, अपने में ब्रह्म में चर्या करने लग गया, बस फिर उसके लिए आचार्य कहते हैं इसका काम पूरा हो गया, अब इसको कोई उपदेश देने की जरूरत नहीं है, अब ये अपना गुरु खुद बन गया। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। संवर्णेजरा के प्रकरण में आज हमने सूत्र 6 में 10 धर्मों को जाना। ये सभी आपस में कनेक्टेड है, एक के करने से आगे आगे के होते जाते हैं। सबसे पहले क्षमा धर्म आता है। क्षमा अर्थात प्रतिकूलता में भी क्रोध नहीं करना। कोई अपने ऊपर उपद्रव करे, उपसर्ग करे, बुरा भला कहे, तो भी उसके प्रति अपने विचारों में मलिनता नहीं लाना। धर्म के मार्ग पर सबसे पहला विकार क्रोध आता है, जिससे दूसरे के प्रति द्वेष होता है और हम स्व और पर दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए सबसे पहले क्षमा से क्रोध कषाय जीती जाती है। इसके बिना समितियों में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। क्षमा भाव आने से मृदुता भी आती है, क्योंकि द्वेष होने पर ही कठोर व्यवहार होता है। मृदुता का उल्टा मान भाव, अहम भाव होता है, जिसमें हम कठोर हो जाते हैं। मान के कारण हम दूसरों को झुकाते हैं, स्वयं नहीं झुकते, और जब द्वेष नहीं होता तो कठोरता भी नहीं होती, मृदुता ही रहती है। हमने जाना, साधु अपनी वृत्तियों को संकुचित करने के लिए, अपने नियम का पालन करने के लिए, दोषों से बचने के लिए अपने आचरण के प्रति कठोर होते हैं। वे सबसे पहला ध्यान अपने आचरण पर देते हैं, दूसरा क्या सोच रहा है ये सेकेंडरी मैटर होता है। साधु को समझने के लिए हमें उनके प्रति सही एटीट्यूड रखना चाहिए। मृदुता होने से रजता भी आती है, क्योंकि मृदुता में मन कोमल होता है, उसमें किसी तरह का फ्रॉड नहीं होता, तो मन वचन काय की सरल प्रवृत्ति से रजता का धन अपने आप आ जाता है, क्योंकि मान कषाय में दूसरों से द्वेष करके उससे खुद को अच्छा दिखाने की चेष्टा में छल कपट होता है। मृदुता होगी तो मायाचारी रहेगी ही नहीं और आचर धर्म आ जाएगा। शौच का मतलब होता है शुचिता, पवित्रता, संतोष भाव। जिसके मन में क्रोध नहीं, मद नहीं, कपट नहीं, उसका मन अपने आप पवित्र हो जाता है, क्योंकि इन तीन विकारों के अभाव से ही पवित्रता आती है। इसलिए शौच धर्म आर्जव के बाद आता है। मन पवित्र होने से हृदय से वचन भी सत्य निकलेंगे, जो लोगों को प्रिय लगेंगे, समझ में आएंगे, हितकारी होंगे और उनके ऊपर प्रभाव डालेंगे। सत्यता से संयम का भाव आता है। सत्यता वचनों के साथ विचारों में भी होती है। जब जीवन की सत्यता, संसार, शरीर भोगों की सत्यता का ज्ञान होगा तो संयम की भी समझ आएगी।
संयम मतलब प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। जो संयम में निष्णांत हो जाता है वही अपनी इच्छाओं को रोककर तप करता है। संयम बिना तप लाभकारी नहीं होता। तप करने से अंतरंग से दोष निष्कासित कर देना, उनका परिहार कर देना, उन पर विजय प्राप्त कर लेना, भीतरी त्याग आत्मा का धर्म होता है। बाह्य त्याग अलग होता है। त्याग होने पर अपनी इच्छा से सभी बाहरी चीजों का, दोषों का, विकृत मानसिकताओं का त्याग होने पर साधु अकिंचन हो जाते हैं। अकिंचन मतलब ना कुछ मेरा ना कोई मेरा। इसी अनुभूति में निश्चिंतता से संतुष्ट होने पर वह शुद्ध आत्मा की, ब्रह्म की शरण में जाएंगे। इसी ब्रह्म भाव में, आत्मा के शुद्ध भाव में, शुद्ध ज्ञान में, शुद्ध स्वरूप में रमण करना ब्रह्मचर्य होता है। बाह्य में अपनेपन का भाव भीतरी ब्रह्म में रमण करने में बाधा डालता है। इसलिए अकिंचन भाव से ही ब्रह्मचर्य धर्म आता है। ब्रह्म में चर्या होने पर धर्म पूरे हो जाते हैं। इसके बाद उपदेश देने की जरूरत नहीं रहती। अब वे खुद अपने गुरु बन जाते हैं। तो चलिए अब हम सभी जुड़वाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जन मन हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मैये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोख पदम पावई सासद मोख पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, निम्न में से मृदुता का विपरीत क्या होगा? क्रोध का भाव, मान का भाव, रिचिता का भाव, कपट का भाव। अध्याय 9 की कक्षा 9 के आज के सवाल का सही उत्तर है आदान निक्षेपण समिति। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री ने हमें उपाधेय विज्ञान जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता से समझाया, जिससे हम पंच परमेष्टी में आसीन आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्टी के मूल गुणों और चर्या संबंधी भ्रांतियों को दूर करके श्रावक धर्म को निभा पाए और सच्चे गुरु के प्रति समर्पित हो पाए। और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर उन तक दे सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें यह सभी क्लासेस मिल जाएंगी। अभ्यास प्रश्न करके आप अपने ज्ञान को प्रगाढ़ करने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका भी पा सकते हैं। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगणों और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः। कौन सी मनी चाहिए? हाँ, पॉकेट मनी नहीं, पुण्य मनी। ये मनी अपने पास में रहे तो सब कुछ रहेगा, पर इस मनी को एक बार कोई व्यक्ति ढंग से अर्जित कर लेता है तो जन्म जन्मांतर तक इसकी सेविंग करके उससे खाता रहता है, जिंदगी निकालता रहता है।
असंख्यात वर्षों तक देवों में रहने के बाद में भी ये पुण्य खर्च नहीं होता, वहां पर भी कर रहा है। जैसे आप पुण्य करके यहाँ आए और यहाँ पर आने के बाद में भी आपको पुण्य करने के साधन मिल जाते हैं, है ना। अपने आप मुनि महाराज चले आते हैं आपके नगर में, अपने आप आपके अंदर पुण्य करने के लिए साधन बन जाते हैं और बड़े बड़े तीर्थंकरों की कथाएं सुनने को मिल जाता है फ्री में, विदाउट एनी टिकट। अच्छी चीजें फ्री में मिलती हैं और घटिया चीजें पैसे देकर के मिलती हैं। अब आदमी की मानसिकता ही ऐसी बन गई है कि जो पैसों में दिया जाए वो हमारे लिए अच्छा है और जो फ्री में मिले वो हमारे लिए ठीक नहीं। हर जगह हमारी बुद्धि में उल्टापन चलता है और ये बुद्धि का उल्टापन अगर धीरे धीरे इन उपदेशों से सीधा होता जाए, सीधा होता जाए, सीधा होता जाए, तो एक दिन इतने सीधे हो जाओगे कि फिर जो कुछ आपके अंदर डाला जाएगा वो सीधा सीधा आत्मसात हो जाएगा। बस उतनी योग्यता आ गई तो समझ लेना अब आप सम्यक दर्शन के योग्य हो गए, अब आपके लिए मोक्ष मार्ग आगे बनने वाला है।